कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव के बीच में सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब सारी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं तो ऐसे में पीएम मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग राज्यों में रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी जो नारा दिए हैं कि अब की बार 400 पार, वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, बुरके वाली महिला ने लगाए नारे, पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच जब पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो वहां पर उनके नाम एक नया रिकॉर्ड तो हुआ ही, साथ ही मुस्लिम महिलाओं का जबरदस्त उत्साह देखकर विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण से पहले बिहार की राजधानी पटना में भव्य रोड शो किया, जिसमें आम जनमानस का एक बड़ा हुजूम उमड़ा। पीएम मोदी एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचे, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर उमा सिनेमा, कदम कुआ, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड और कारगिल चौक होते हुए उद्योग भवन और जेपी गोलंबर तक लगभग 2 किलोमीटर के इस रोड शो के साथ ही पीएम मोदी ने बिहार में समीकरण को भाजपा के पक्ष में साधा, जहां 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। 12 मई को रोड शो खत्म होने के बाद राजभवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात में रुकने की व्यवस्था की गई थी। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर पीएम मोदी के नाम क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पटना में रोड शो किया हो और ये इतिहास में दर्ज हो गया है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक और नजारा देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। इस भव्य रोड शो को देखने के लिए सड़क पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। मुस्लिम महिलाएं भी अपने पारंपरिक पोशाक में रोड शो में शामिल हुई। प्रधानमंत्री की आरती उतारी गई, ये पूरा नजारा देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने से पहले ही मुस्लिम महिला सड़कों पर उतर आई थी। मुस्लिम महिलाएं दावा करती नजर आई कि मोदी सरकार में मुस्लिम सबसे महफूज हैं। वहीं आपको बता दें कि करीब 2 किलोमीटर का रोड शो था और इसकी शुरुआत भट्टाचार्य मोड़ से हुई थी। यहीं पीएम मोदी के पहले स्वागत हुआ, फिर धीरे धीरे रोड शो करते हुए पीएम मोदी आगे पर महुआनी की तरफ बढ़े। रोड शो में शामिल बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि रोड शो में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री की तस्वीर की आरती उतारी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि 3 तलाक के समाप्त होने के लिए मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को धन्यवाद देती हैं। आज सभी विकास योजनाएं सभी धर्मों के लोगों के लिए चल रही हैं। दानिश इकबाल ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं रोड शो में प्रधानमंत्री से रूबरू होने पहुंची थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डे से राजभवन पहुंचे, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। ये रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर उमा सिनेमा, कदम कुआ, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए उद्योग भवन पहुंचा। यहां से रोड शो समाप्त हो गया। इस रोड शो में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दलों ने जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द इस चुनाव को घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण लेकर तमाम मुद्दों पर करारा प्रहार किया और आरक्षण पर भ्रम फैलाने वालों को जवाब दिया। लगातार अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाई। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं पाटलिपुत्र से रामकृष्ण यादव उम्मीदवार हैं। इस दौरान लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का फोकस विपक्ष के देश विरोधी रवैये पर प्रहार के साथ साथ अपनी गरीब कल्याण योजनाओं को रखा है। वहीं 13 मई को भी पीएम मोदी का उत्साह नजर आया और एक नए अवतार में पीएम नरेंद्र मोदी आए, जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 13 मई को बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे।
उन्होंने गुरुद्वारे में पहुंचकर सेवा कार्य किया, रोटियां बेली, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात भी की। पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो अलग अलग सेवाएं करते हुए नजर आए। एक फोटो में प्रधानमंत्री गुरुद्वारे के बड़े से देग में बड़ी करछुल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि तख्त श्री पटना साहिब को तख्त श्री हरिमंदिर जी या पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित सिखों के 5 तख्तों में से एक है। तख्त का निर्माण 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। दरअसल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। उन्होंने आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपने प्रारंभिक वर्ष भी यहीं बिताए थे। पीएम मोदी के गुरुद्वारे जाने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे, उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है। अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश, ये देश का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम देश की बागडोर दें, इसका फैसला करना का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर और बिहार के लोगों ने दशकों तक नक्सलवाद का जख्म सहा है। पहले भी सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अपराध और नक्सलवाद के कारण बिहार में उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। उन्होंने आगे कहा कि जंगल राज की जिंदगी भयानक थी, डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशकों पीछे धकेल दिया है। ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिलों भी तेजी से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी, तब एक भी गाना चलता था, महंगाई डायन खाए जात है। तब महीने की 30,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार कहती थी टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50,000 तक की आय पर आपको एक नया पैसा नहीं देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछली कांग्रेस की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में एक LED बल्ब 400 रुपये में आता था, मोदी ने इसकी कीमत घटाकर 40 से 50 रुपये कर दी है। घर घर सस्ता LED बल्ब पहुंचकर सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली एक और योजना बनाई है। इस योजना से आपकी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उन्होंने आगे बताया कि इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपये देगी। जितनी बिजली चाहिए आप इस्तेमाल करो, बची हुई बिजली सरकार को बेच दो, यानी बिजली का बिल जीरो और साथ में आमदनी भी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों ने कैसे कैसे सपने देखे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनकी सरकार बनेगी तो हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। आप बताए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री से देश का भला होगा क्या? 5 साल 5 प्रधानमंत्री हमारा सिर फोड़ेंगे क्या? आप वजूद बचाने के राजद और कांग्रेस तुष्टिकरण की जिद पर अड़े हैं। इन लोगों ने अपना आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस राजद को पिछड़ों ने सब कुछ दिया, वही राजद पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाली पार्टी बन गई है। यानी कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है, लेकिन इसका फायदा क्या चुनाव में होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।